ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की जिला स्तरीय बैठक पालमपुर में ठाकुर द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के राज्य महासचिव संजीव ठाकुर ने की। बैठक में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य व राज्य कार्यकारिणी की ओर से बलवंत राणा व अन्य सदस्यों ने भी उपस्थित होकर बैठक में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की जिला स्तरीय बैठक पालमपुर के ठाकुर द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के राज्य महासचिव संजीव ठाकुर ने की। बैठक में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य व राज्य कार्यकारिणी की ओर से बलवंत राणा व अन्य सदस्यों ने भी उपस्थित होकर बैठक में भाग लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला कांगड़ा के अध्यक्ष राकेश बडवाल ने प्रवक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता व प्रवक्ताओं से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति कोटा 60% करने पर विशेष जोर दिया। प्रवक्ता संघ जिला शिक्षा विभाग में सामंजस्य की कमी के चलते आए दिन जारी की हुई अधिसूचनाओं को परिवर्तित करने की नौबत आन पड़ी है। राज्य व जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने विभाग से आह्वान किया है कि भविष्य में विद्यालयों से संबंधित नीति निर्धारण के समय विद्यालयों व विद्यार्थियों के हित में प्रवक्ता संघ को विश्वास में लिया जाए। बैठक में संघ के विभिन्न सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली के ऊपर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि संघ मांग करता है कि प्रवक्ताओं के पदोन्नति कोटे में वृद्धि की जाए, जैसा कि पालमपुर के कार्यक्रम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी। कर्मचारियों को नया पे स्केल दिया जाए। अगर पंजाब देरी करता है तो संघ मांग करता है कि हिमाचल के कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर स्केल मिले। संजीव ठाकुर ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता सुविधा दी जा रही है, उसे बंद की जाए और जो प्रवक्ता 2010 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे, जब उनकी 2015 में रेगुलराइजेशन हुई तो उनकी पे स्केल जो है वे 16,290 से शुरू की जाए। संजीव ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ सरकार से मांग करता है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, ताकि जो सामाजिक सुरक्षा है वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल सके। बैठक है, जिला कांगड़ा ने जनरल हाउस रखा है, मैं उसमें विशेष अतिथि के तौर पर आया हूँ और राज्य की जो मांगे हैं, जो प्रवक्ताओं की मांगे हैं, वो हम सरकार के समक्ष समय समय पर रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। जो मुख्य मांगे हैं प्रवक्ताओं की, उसमें एक जो प्रवक्ता है उनका कोटे में वृद्धि की जाए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पालमपुर के कार्यक्रम में अनाउंसमेंट की थी कि प्रवक्ताओं का कोटा जो है वो 10% बढ़ाया जाए, उसकी प्रवक्ता संघ जो है वो मांग करता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को नया पे स्केल जो है वो दिया जाए। अगर पंजाब इसमें देरी करता है तो सरकार से संघ ये मांग करता है कि ये पे स्केल जो है वो केंद्र की तर्ज पर जो है वो हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को मिले। साथ में एक सर्विसमैन को जो अनड्यू बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, जो रूल था हिमाचल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था 72 में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस रूल को क्वैश किया जाए और जो अनड्यू बेनिफिट एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयड हैं उनको जो सीनियरिटी का बेनिफिट दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए।